आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल। मैं आपसे मुखातिब हूं धर्मेंद्र सिंह और मैं खिदमत में आप सभी की हाजिर हूं लेकर अल्लामा इकबाल की एक बहुत बेहद ही खूबसूरत और मकबूल नज़्म जिसका उनवान में हकीकत ए हुस्न। कैसी रहने वाली ये नज़्म और इस नज़्म के हवाले से क्या कुछ आज हम सीखने वाले हैं इस पर ख़ास हमारी तवज्जो रहेगी। इससे मुतालिक अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर देखें अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर 8800440559। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं dts.class10@cit.nic.in। चूंकि कक्षा 10 की जमात के तलबा तलबात के लिए ये खास सेशन हम लेकर आए हैं तो ज़रूर आप अपने शक शुबा जो भी हो उसको आप पूछें और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनके सामने उन प्रश्नों को रखें ताकि आपकी जो समझ है वो और भी विकसित हो सके। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर मोहम्मद मोजमुद्दीन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस NCERT से ही से उनका वास्ता है। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जो है धर्मेंद्र जी। अल्लामा इकबाल इस्तकबाल है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल का नाम सुनते तो मन में एक अजीब सी खुसूसियत जाग जाती है। बहुत मकबूल नाम ही है और मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे विश्वभर में इनको कोई जानता ना हो, इनसे इनका तारुफ ना हो। तो सबसे पहले तो हम ये नज़्म पे पहले बात करेंगे फिर हम अल्लामा इकबाल के बारे में जानेंगे। तो नज़्म क्या है और इस ख़ास नज़्म जो आज मौजू है हमारे सामने उससे बच्चे क्या सीखने वाले, इससे क्या मुराद है? बच्चों, जैसा कि आपने इसके पहले भी पढ़ा है और सुनते भी रहे हैं, अगर हम उर्दू अदब का जायज़ा लें तो उर्दू अदब अगर उसको देखेंगे तो दो हिस्सों में वो बटा हुआ है। एक नसर की असनाफ होती है, एक शेरी असनाफ होती हैं। ये हर ज़बान के लिटरेचर की ये बात होती है। तो नसरी असनाफ अलग होती हैं, शेरी असनाफ अलग। शेरी असनाफ जो होती हैं उसमें गज़ल है, कसीदा, मरसिया, मसनवी, नज़्म और बहुत सारी इसके किस्में हैं जो है। तो ये नज़्म उसकी एक किस्म है, यानी अपने ख्यालात और जज्बात के इजहार को किस तरह से किस पैराए में पेश किया जाए तो उसमें से नज़्म भी एक किस्म है। नज़्म के अगर हम लुग़वी माने देखें तो उसके लुग़वी माने तरतीब व आराइश के हैं, यानी कोई ना कोई न किसी जगह हम कहते हैं कि मुहावरतन भी बोलते हैं कि वहाँ का नज़्म बहुत अच्छा था, यानी इंतज़ाम बहुत अच्छा था। नज़्म नस्क की हम बात करते हैं कि इंतज़ाम बहुत अच्छा था। तो इसका मतलब यह है कि दूसरे नज़्म का एक मतलब ये भी होता है कि किसी धागे में मोती को पिरोना, अगर वो मोती बिखरे हुए हैं जगह जगह हो तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो नज़्म नहीं है, लेकिन अगर उनको एक धागे में पिरो दिया जाए तो वह हार बन जाता है या माला बन जाती है, वो देखने में खूबसूरत लगती है। यही चीज़ जो है नसर में नज़्म में भी है कि जब हम अपने ख्यालात को एक मंजूम पैराए में यानी नज़्म के ज़रिए पेश करते हैं तो उसमें एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। अब नज़्म चूँकि पाबंद होती है बहर की, वज़न की, इसमें एक मुकर्रा वज़न होता है, एक बहर होती है, उसके अंदर हम इधर उधर नहीं जा सकते। इसमें जो भी अल्फाज होते हैं, जो भी बातें पेश की जाती हैं, वज़न की पाबंद होती हैं, और अगर वज़न कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वहाँ बेनज़्मी पैदा हो जाती है। तो इसी वजह से नज़्म कहा गया है कि उसमें ख्यालात के इजहार को हम अपने एक मंजूम शक्ल में वज़न और बहर की पाबंदी के साथ पेश करना नज़्म कहलाता है। और नज़्म की देखें तो ऐसे कई किस्में हैं। नज़्म की तो सबसे पुरानी किस्म जो है पाबंद नज़्म है, जिसमें मखसूस रदीफ काफ़िये की पाबंदी होती है, बहर की पाबंदी होती है, वज़न की पाबंदी होती है। एक ज़माने तक पाबंद नज़्म का ही रिवाज रहा, इसी में शोरा अपने ख्यालात का इजहार करते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि गौर फिक्र करने के बाद जो पैराए इजहार बदलता रहा है तो उसमें ये जहाँ बहुत सारी पाबंदियाँ पहले थी तो उस पाबंदियों को धीरे धीरे कम करते गए, तो उन पाबंदियों का मतलब गैर मुकफ़ा नज़्म आ गई या जिसको हम नज़्म मुर्रा कहते हैं या गैर मुकफ़ा कहते हैं, यानी वो नज़्म जो जिसमें काफ़िया नहीं होता, काफ़िये से आरी नज़्म को हम नज़्म मुर्रा या गैर मुकफ़ा कहते हैं। तो एक नज़्म के पाबंद नज़्म हो गई, दूसरी गई, इसमें भी वज़न और बहर की पाबंदी होती है शुरू से आखिर तक नज़्म मुर्रा में भी, लेकिन इसके बाद की जो नज़्म है वो आज़ाद नज़्म आ गई। आज़ाद नज़्म यह है कि इसमें भी बहर और वज़न की पाबंदी शुरू से आखिर तक की जाती है, लेकिन इसमें जो मिसरे होते हैं, जो लाइनें होती हैं, वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इस उस नज़्म के आज़ाद नज़्म के हर मिसरे बराबर हों, बल्कि नज़्म के मिसरे छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वज़न की पाबंदी होगी, जिस बहर में नज़्म शुरू हुई है उसी बहर में इजहार ख्याल किया जाता है। तो इस तरह वो इसके बाद चौथी किस्म आई जब लोगों ने और आज़ादी चाहिए और अपने ख्यालात को इजहार करना चाहा, चूँकि रदीफ और काफ़िये की पाबंदी
बहर और वज़न की पाबंदी कहीं ना कहीं एक रुकावट बनती है ख्यालात के इजहार में। तो लोगों ने यह भी सोचा कि कौन हम बग़ैर काफ़िए की भी नज़म कह सकते हैं, आज़ाद नज़म भी कह सकते हैं, आखिरी जो चौथी और आखिरी जो सूरत है वो नसरी नज़म है। यानी नसरी नज़म जो है मुख्तलिफ़ नसरी सतरों का एक मजमूआ होती है, लेकिन जाहिर बात है कि उसको हम नज़म उसी वक्त कहेंगे जब उसमें एक मखसूस कैफियत हो, शेरियत हो। अगर उसमें शेरियत नहीं है, मखसूस कैफियत नहीं है जिसका एक मजमू तासुर उभरता है, तो वो नज़म नहीं हो सकती। उसमें नसरी नज़म भी एक मखसूस कैफियत या मखसूस शेरी कैफियत का होना लाजमी है। तो ये नज़म की तारीफ़ हो गई और उसकी अकसाम की तारीफ़ हो गई। जी, क्या बात है। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन नज़म के हवाले से हमने समझी। चलिए अब जानते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, जिन्होंने इस नज़म को लिखा है। वो शायर, उनका तो बहुत ही मकबूल नाम है, तो जान लेते हैं सर। आज इस हकीकत हुस्न के शायर अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल को आपने पहले भी पढ़ा है, सुना भी होगा, बहुत सारी उनकी नज़में आपको याद भी होंगी। और अल्लामा इकबाल की शख्सियत ऐसी है कि जो मोहताज तारुफ नहीं है, और दुनिया के हर ज़बानों में तकरीबन उनके कलाम का तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन हो चुका है और हर ज़बानों में पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में ये देखने की कोशिश करते हैं, जानने की अल्लामा इकबाल की शख्सियत कैसी थी, क्या थी। जो है अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पंजाब में हुई। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद थे, और जो बहुत ही दीनदार आदमी थे, वो तसव्वुफ़ की तरफ मायल थे। ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं थे, लेकिन तालीम का शौक़ बहुत रखते थे, और बेटी की तरबियत में उनका बड़ा हाथ है। इकबाल को नसीहत करते रहते थे। और इकबाल की शख्सियत का एक अहम पहलू जो है, जो कलाम पाक की तरफ जो मुतवज्जे हुई है, उनके वालिद की नसीहत ही है। एक बार चूँकि सुबह की नमाज़ के बाद ये चले जाते थे मस्जिद में, दोनों हजरात, उनके निश्चय नूर मोहम्मद साहब भी और इकबाल भी। इकबाल तो बिल्कुल ज़ाहिर बात है बच्चे थे, तो नमाज़ पढ़कर ये आ जाते थे घर पे, और आके तिलावत करते थे। तिलावत करना कलाम पाक को पढ़ने को तिलावत कहते हैं। और उनके वालिद साहब ज़रा देर से आते थे, जब बहुत देर से आते तो देखते तो गुजर जाते थे उनके उस कमरे से देख कर। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँगा। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा कलाम पाक को इस तरह समझकर पढ़िए कि ये आप पर नाजिल हुआ है। वैसे तो प्रॉफेट मोहम्मद पे उतरा था, और प्रॉफेट मोहम्मद पे उतरा है तो उसकी पूरी कौम, पूरी रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है। तो कहते हैं कि वालिद की इस नसीहत का मुझ पर बहुत असर हुआ, और मैंने कलाम पाक की एक आयत को, एक एक सूरत को बरसों गौर व फिक्र किया। तो बाद में उनके कलाम में जो खूबसूरती आई है वो इसी का असर है। जो तो उनके वालिद, तो कहने का मतलब ये कि उनके वालिद को कोई की नसीहत और तरबियत का अल्लामा इकबाल का बड़ा हाथ है जो उनके तरबियत में। इसी तरह उनकी वालिदा का भी बहुत बड़ा हाथ उनके तरबियत में। मुल्क व मिल्लत से मोहब्बत और खिदमत का जज्बा ख़ासतौर से उनकी वालिदा से मिला ये जज्बा। इसी तरह उनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद थे, शेख अता मोहम्मद चूँकि मुलाजमत में थे उनको, और माली हालत उनकी बेहतर थे, तो इकबाल की तालीम के लिए और दूसरे अखराजात के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनको बहुत मदद की। इसी तरह उनको जब तालीम में अकब गए तो सबसे पहले तो 1891 में उन्होंने मिडल किया, फिर 1983 में मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद 1895 में मजीद तालीम के लिए लाहौर चले गए। लाहौर से फिर 1899 में फ़िलासफ़ी में वहीं से एमए किया। उस वक्त फ़लसफ़े के बहुत मशहूर उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड लाहौर में थे, उनकी शागिर्दी अख्तियार की और उनसे बहुत फ़ायद पहुँचा अल्लामा इकबाल को। तो जब अल्लामा इकबाल उनकी तरबियत में आया तो उनको काफ़ी शौक़ पैदा हुआ, और ख़ुद उन्होंने फ़लसफ़े की तरफ मायल हुए। और फ़लसफ़े की तरफ मायल होने के बाद उन्होंने देखा कि फिर उसी ज़माने में उन्होंने तकरीबन शायरी शुरू कर दी, ये बारहवीं क्लास में रहे होंगे तभी। तो उनका ज़माना ये था कि वो शायरी लिखते थे और रख लेते थे, पढ़ते नहीं थे, शायरी लिखते थे और रख लेते थे। जब उनको दोस्तों को मालूम हुआ तो उन्होंने इनसे इसरार किया कि आप जो कुछ लिखते हैं वो हमें भी सुनाइए, लोगों को भी सुनाइए। तो बहरहाल उनके कहने पर जो है स्कूल के सालाना जलसे में वो शिरकत की और अपनी कई नज़में सुनाई। फिर उसी ज़माने में अंजुमन हिमायत इस्लाम एक थी, वहाँ लाहौर में एक अंजुमन थी, वो बहुत बड़ा जलसा कराती, तो उस जलसे में भी शिरकत करने लगे। उस शिरकत से इनको यह फ़ायदा हुआ कि इनकी शोहरत बहुत जल्द पहुँच गई, और ऐसा मजमा होता था कि एक मजमे उस वक्त मजमे में तकरीबन 10,000 लोग जमा होते थे, उस 10,000 के लोगों के बीच में अपनी काफ़ी तादाद थी, काफ़ी। जी हाँ, तो उसके बाद फिर ये
1905 में ये विलायत चले गए, यूरोप चले गए, वहाँ से जाके चूँकि प्रोफेसर आनंद रिटायर हो चुके थे, वो वहीं चले गए, तो फिर जाके वहाँ उनसे भी मुलाकात की उनसे। वहाँ उन्होंने जो है पीएचडी की, पीएचडी भी किया फल, और उनका जो फिलासफी में जो एमए किया, एमए करने के बाद जो वहाँ से डिग्री पीएचडी के ली, तो उनके पीएचडी का टॉपिक था मेटाफिजिक्स इन ऑफ इस्लाम इन ईरान, ईरान में माबाद तबियात जो है उसका जो था असलम। तो इनके अच्छा जब इनको उस्ताद प्रोफेसर आलम, उन्होंने इल्म की प्यास और बढ़ा दी, उनके उस्ताद गुलाम हुसैन भी थे, इनको कुरान की तालीम हासिल की, और इनके एक उस्ताद मीर हसन भी थे जिन्होंने जिनसे उन्होंने उर्दू फारसी और अरबी अदब की तालीम हासिल की, और अपनी सलाहियत में और बहुत काफ़ी इन्होंने इजाफा किया। उसी ज़माने में एक और वाक़िया ये हुआ कि जब इनको इन्होंने वकालत का इम्तिहान भी पास किया, बरिस्टर अखलाक भी बने, जो फिर जुलाई 1908 में वतन वापस हुए। एक उनके उस्ताद मीर हसन थे, मीर हसन ने उनकी तरबियत इस तरह की कि इनकी शख्सियत में चार चांद लग गए, और इनकी जब शोहरत बहुत ज़्यादा हुई तो उस वक्त हुकूमत हिंद यानी हुकूमत बरतानिया थी, उस वक्त जो है फरंगियों की हुकूमत थी, तो उन्होंने सोचा कि अल्लामा इकबाल को कोई ख़िताब दिया जाए, तो उन्होंने उस वक्त सर का ख़िताब बहुत काबिल लोगों को दिया जाता था, एक सर सैयद को मिला था, फिर इकबाल को मिला, सरदार मसूद को मिला जो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। तो अल्लामा इकबाल के लिए जब उनका नाम पेश किया गया तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि भी अगर मुझे ख़िताब देना तो सबसे पहले मेरे उस्ताद को दीजिए, मीर हसन को। क्या बात है, क्या बात। तो फिर हुकूमत को तश्वीश हुई कि भई आपको उनके कौन है, ये क्या नाम है इनका, इनके कोई किताब बताइए जो है, कोई ऐसा काम हो जिस पर हम उनको इनाम दे सकें। तो इकबाल ने बरजस्ता कहा कि उनकी ज़िंदा किताब तो मैं खुद हूँ, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो सबसे पहले उनको दीजिए। तो हुकूमत ने उनकी ये बात तस्लीम कर ली, और उनके उस्ताद मीर हसन को सबसे पहले शमसुल उलमा का खिताब मिला, उसके बाद अल्लामा इकबाल ने सर का खिताब हासिल किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी बहुत सारे, ये दाग दहलवी के शागिर्द इख्तियार की इन्होंने, उस ज़माने में एक रवायत थी कि अगर आप कोई अच्छे शायर से आपने उस्तादी नहीं हासिल की, शागिर्दी नहीं है, तो आपके कलाम को बहुत ज़्यादा मोतबर नहीं माना जाता था। तो उस वक्त हैदराबाद में दाग दहलवी मौजूद थे, और बहुत सारे शुरा जो उस ज़माने के थे ख़त व किताबत के ज़रिए, कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए जो कलाम भेजते तो वो इस्लाह करके भेजते थे। तो अल्लामा इकबाल ने भी कुछ दिनों उनसे इस्लाह ली, मुलाकात कभी नहीं हुई जी, ये भी एक अजीब बात है, मुलाकात कभी नहीं, मुलाकात की ख्वाहिश थी, मुलाकात नहीं हुई। तो इकबाल के अब देखें कि तो इस तरह तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी रही, बहुत ही इल्म-ओ-अमल की ज़िंदगी थी, हरकत-ओ-अमल की ज़िंदगी थी, और कभी उन्होंने अपनी गलत उसूलों से अपनी ज़िंदगी में समझौता नहीं किया। और आखिरी वक्त में उन पर जाहिर बात है कि ऐसी बीमारी हो गई कि जो धीरे धीरे बढ़ती गई, वो है कि मर्ज बढ़ता गया जूँ जूँ दवा की, तो आके 21 अप्रैल 1938 को इनका इंतकाल हो गया, और लाहौर में उनकी कब्र है। अब आइए इनके फ़न पर ज़रा बात करते हैं कि इकबाल ने इब्तदाई कला में बच्चों की शायरी पे बहुत तवज्जो दी है। इससे पहले कि आप फ़न पे तवज्जो फरमाएं, मेरा भी एक प्रश्न जहन में था कि हर शायर का अपना एक एक फ़न होता है, और वो अलग अलग मौजू पर भी लिखते हैं, किसी खास मौजू पर भी लिखते हैं। हाँ। तो इकबाल की वो ऐसा कौन सा फ़न था कि वो उनकी जो गज़ल में और उनकी नज़म की शक्ल में हमें देखने को मिलता है? अच्छा, उस फ़न से हमारे तलबा तलबात को वाकिफ़ कराएं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इकबाल का फ़न अगर देखें तो कोई एक ऐसा मखसूस फ़न तो बाद में हुआ है, लेकिन शुरू शुरू में उनका फ़न जो था वो ज़्यादातर बच्चों के लिए नज़में लिखी, हुब्बुल वतनी का जज्बा बहुत था, वतन की मोहब्बत बहुत सारी नज़में, जैसे नया तराने हिंदी हम पढ़ते हैं सारे, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी। तो ऐसी बहुत सारी नज़में हम कह सकते हैं कि, और ये है सारी नज़में हकायती नज़में हैं, तर्जुमा शुदा हैं, वो अंग्रेज़ी अदब के रोमांटिसिज्म से बहुत फ़ायदा उठाया जाए, उनके पहला मजमू जो है कुलियात में बांगेदरा उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज उनके यहाँ जो है मज़ाहिर फितरत जो है, यानी जो दुनिया में है, यूनिवर्स में, कायनात में है, उनसे बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, जैसे चरिंद है, परिंद हैं, पहाड़ हैं, दरिया है, नदी हैं, जंगल वगैरह, इन सब को उन्होंने अपनी शायरी में जगह दी है, और उनको कहीं ना कहीं किरदार मानकर उनके हवाले से बात की जो है। तो मज़ाहिर फितरत के जो हैवानात हैं उनसे भी सहारा लिए, जैसे गाय को भी उन्होंने अपना मौजू बनाया, एक गाय और बकरी, पहाड़ और गिलहरी, मकड़ा और मक्खी, तो इन सब चीज़ों को एक बड़ी हकायती नज़म है, और कोई ना कोई उसमें पैगाम जाता है।
तो बच्चों की तरबियत पर उन्होंने बहुत तवज्जो दिया, और ख़ास तौर से ये था मकसद कि उनको बच्चे जो भी इंसान जो बावसूल ज़िंदगी गुजारें। पूरी शायरी उनकी पयामी शायरी है, उन्होंने ख़ुद कहा कि नगमा कुजा वमन कुजा साज़े सुखन बहाना इस, मैंने तो मेरे बात करने का एक बहाना मैंने बना लिया है, तो मैं शायर तो नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी शायरी के ज़रिए आवाम तक एक पैगाम देना चाहता हूँ। वह है तो लिहाजा उन्होंने शुरू से ही तरबियती निगाह डाली, यानी इस तरह निगाह डाली कि तरबियत हो सके जो है। और इसी तरह जब वो 1905 में यूरोप चले गए, 1908 में आए, तो जब उनके फ़लसफे की डिग्री हासिल करके आए ईरान में मावादुत तबियात का इरतका उस पर, तो उनके फ़न के और ख़ास तौर से कलाम पाक का जो है तलावत कलाम पाक करते तो उसका असर बहुत ज़्यादा आ गया जी। तो उसकी वजह से उन्होंने एक फ़लसफ़े खुदी जो आपने कहा कि ऐसा ख़ास हाँ, फ़न किया है, तो अल्लामा इकबाल के साथ ही ये मखसूस है और किसी के साथ मखसूस नहीं। और फ़लसफ़े खुदी यह है कि इंसान अपने आप ख़ुद को पहचाने, जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो हमारा जो है अमल भी सही होगा और हम कोई काम करेंगे। और अगर बेमकसद ज़िंदगी गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई मकसद नहीं होता। तो उन्होंने तरबियत खुद ही यानी ख़ुद की तरबियत पर जोर दिया, और ख़ुद ही की तरबियत से ही एक इंसान जो है वो मुकम्मल इंसान बन सकता है, जो उन्होंने फ़लसफ़ा किया कि इंसान कामिल या मुकम्मल इंसान का तो वो है। और उनकी नज़र में मुकम्मल इंसान की जो कि शख्सियत थी वो ख़ुद प्रॉफ़िट मोहम्मद थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है, कि उससे बेहतर मुकम्मल इंसान तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने उसको एक बार पेश किया जो है, और उसके लिए बहुत सारी उन्होंने मिसालें अपने कलाम में ली और उसको साबित करना चाहें। तो उनके सभी नगमे देखे कहीं ना कहीं नसीहत और सबक आमोद है बच्चों की तरबियत और परवरिश। इसी तरह अब यहाँ देखिए कि अगर हम हकीकत हुस्न पर आते हैं इस नज़्म पर जी, तो सबसे पहले तो इस नज़्म को हम पढ़ के देखते हैं कि ये नज़्म किस तरह पढ़ी जाएगी। जब तक कि हम सही तरबियत वो सही करात नहीं करेंगे तब तक हम उसके सही मफहूम तक भी नहीं समझ सकते जो है। तो ये 10वीं जमात की किताब है जिसका नाम है नवाए उर्दू, उसके एक नज़्म है अल्लामा इकबाल की हकीकत हुस्न। आप ये देखिए कि आपके सामने ये 7 अशार की एक नज़्म है, और इन 7 अशार में एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है और बहुत ही सलीके से अपनी बात उन्होंने कही कि है कि दुनिया जो है वो खुद फना होने वाली है, आज जो है जैसी है वो वैसी नहीं रहेगी, बल्कि एक दिन दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और इसको उन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से ना कह के जो है उन्होंने एक तुनवान तो कायम किया कि हकीकत हुस्न का मतलब हुस्न की हकीकत, इसकी हकीकत क्या ये समझना है। और हुस्न से मुराद हम ये पूरी कायनात दे सकते हैं या हुस्न का एक महदूद तस्वुर भी रख सकते हैं। तो जब हुस्न को ये जाहिर बात है कि आज हम तो हमें ख्वाहिश है भाई, हर आदमी ख्वाहिश होती है, लोगों को ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, हमारा शबाब बना रहे, जवानी बना रहे, हमारा हुस्न कायम हो, ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है, एक फितरी चीज़ है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं। लेकिन जो है हुस्न को ये तशवीश पैदा हुई कि हमने देखा है उसका अपना तजुर्बा है कि आज हम फूल खिलता है, कली होती है, फूल खिलता है, फूल मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी ज़िंदगी इतनी है। तो इसी तरह से जब हुस्न को तो उसने खुदा से, अल्लामा इकबाल की कलाम की खूबी, फ़न की खूबी यह भी है कि उनकी शायरी में तीसरी आवाज़ बहुत ज़्यादा है उसकी अहमियत। तीसरी आवाज़ उसको कहते हैं कि बात अपनी तरफ से ना कह के, शायर बात तो अपना ख्याल है सब कुछ है लेकिन वो किरदार किसी और को बना लेता है, कभी पहाड़ को बना लिया, गिलहरी को बना लिया, बकरी को बना लिया, मकड़ी और मक्खी को बना लिया वगैरह वगैरह। तो यहाँ उनके यहाँ जो तीसरी आवाज़ है वो एक आवाज़ हुस्न की आती है, एक किरदार है। आप इस नज़्म में देखिए अलग अलग किरदार भी, अभी उसकी वजाहत और होगी जो है। तो सबसे पहले इस नज़्म को हम पढ़ते हैं कि खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में कोना मुझे तूने लाजवाल किया, मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, शब दराज आदम का फसाना है दुनिया, हुई है रंग तगैर से जो नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी, कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तर सहर ने सुनी, सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को, भराए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आ जाता सो गवार गया।
तो ये एक सात अशार की एक नज़्म है, मुख्तसर नज़्म है, आपको भी सुनने में लगा होगा कि कितनी खूबसूरत नज़्म है। बिल्कुल, आइए इसके एक एक शेर पर गौर करते चलो, इसके मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। एक तो यह नज़्म जो है पावन नज़्म, जैसा कि हमने नज़्म की तारीफ की थी, तो ये पावन नज़्म में शुमार होता है। और यह नज़्म जो बयानिया नज़्म है, मुकालमे की अंदाज में है, और इसमें मसनवी की हैसियत को बरकरार रखा गया, यानी मसनवी उसको कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे में रदीफ़ और काफिया होता है और अलग अलग रदीफ़ और काफिये के साथ आते हैं। तो एक तो यह है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में को ना मुझे तू ने लाजवाल किया। लाजवाल का मतलब जिसको फना ना हो, जो जवाल ना हो, जितने जवाल ना है, जो फना ना हो, ख़त्म ना हो। तो ये उसने सवाल किया। तो क्या अच्छा, जवाल का जब हम जिक्र आया तो जाहिर बात है कि हमारे जहन में उरूज खुद ब खुद, उरूज जवाल, उरूज कहते हैं बुलंदी को, जवाल कहते हैं पस्ती को। तो उस हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हुस्न की भी ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा उस पर कोई जवाल ना आए। तो जब उसने खुदा से यह सवाल किया तो वहाँ से क्या जवाब मिलता है? मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, शब दराज आदम का फसाना है दुनिया। तस्वीर खाना किसको कहते हैं? पिक्चर गैलरी को, यानी दुनिया जो है ये मुख्तलिफ तरह की तस्वीरों से आरास्ता है। वो तस्वीरें तो एक कोई आर्टिस्ट बनाता तो अलग अलग तस्वीर बना के पिक्चर गैलरी होती है, वहाँ उसकी नुमाइश हो जाती है मुख्तलिफ मुख्तलिफ, लेकिन खुदा की जो नुमाइश है वो दरिया है, पहाड़ है, झरना है, वादी है, तारे हैं, सारी चीज़ें अगर आप देखो तो पूरी कायनात को जो है वो यूँ एक पिक्चर गैलरी से ताबीर किया है वो है। तो मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, नहीं बहुत खूबसूरत है, या जिस चीज़ पर नज़र जाती है कहीं भी चले जाएँ आप तो वो हर चीज़ अपने जो दिल को खींचती है। और शब दराज़ आदम का फसाना है दुनिया, तो दराज़ आदम या शब दराज़ यानी लंबी तवील रात, शब कहते हैं रात को, दराज़ लंबा तवील, और आदम ऐसा जिसको वजूद ना हो, यानी शब दराज़ आदम का फसाना है दुनिया, ऐसी रात का फसाना है जिसका कोई वजूद ही नहीं, यानी एक बहुत तवील रात का सिलसिला चल रहा है जिसमें आना जाना, आमद और जामद का सिलसिला जारी है, आने जाने का। तो कहते हैं वो फसाना यहाँ पर दुनिया उसी तरह की हुई है, रंग तगैर से जब नमूद इसकी, रंग तगैर वाले बदलने वाला, यहाँ मुख्तलिफ रंगों से इसकी नमूद यानी इसका जाहिर किया गया है। नमूद कहते हैं निशान को, अलामत को या रौनक कह लिए, यानी मुख्तलिफ तरह के रंगों से इसकी रौनक है, इसको तगैर इसमें पैदा हुआ है। वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी। जी जी जी। अब ये एक ऐसी बात कही गई है जो असल इसका मौजू है नज़्म का, वो बात इसमें वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी, यानी वही चीज़ हसीन है जिसको जवाल आ जाए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आप बहुत देर तक एक मंजर पे आप नज़र नहीं डाल सकते जो है। मिसाल के तौर पे अगर आप श्रीनगर चले जाए या कोई ऐसी जहाँ चले जाए जहाँ बहुत खूबसूरत मंजर हो, या डल झील में आप जाकर देखें जो है, तो वहाँ पर आप देखेंगे डल झील में ये पहली बार जो आपका तासुर होगा वो कुछ और होगा जब आप वहाँ शिकारा में बैठेंगे, कश्ती में बैठेंगे, लेकिन दूसरी मर्तबा जब जाएंगे, तीसरी मर्तबा जाएंगे तो आपका शौक़ धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कभी। तो कोई से कोई मंजर हो उस पर निगाह बहुत देर तक नहीं रुक सकती। तो इनका कहने का मतलब ये कि हर एक चीज़ को जवाल है हमारे, और हुस्न जो होता है वो नज़र में भी होता है, ज़ाहिर में भी होता है। हम उस हुस्न को किस नज़रिए से देख रहे हैं, नज़रिया हमारा बदल भी जाता है। आज हमें चीज़ अच्छी लग रही है और थोड़ी देर बाद वही चीज़ हमें, या कल हमें ख़राब भी लग सकती है, उससे उकता सकते हैं। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, जब वहाँ से जवाब मिला खुदा के यहाँ से कि भैया तो शब दराज आदम का फसाना है दुनिया, तो ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, यानी कमर कहते हैं चांद को, और जब कमर ने सुनी तो फलक पे यानी आसमान पे ये बातचीत बहुत आम हो गई और आम हो गई। तो वहाँ अख्तर सहर, अख्तर कहते हैं तारे को, सहर कहते हैं सुबह को, तो सुबह का जो तारा है उसको ये खबर पहुँच गई। तो वहाँ से क्या हुआ कि यानी एक सवाल जो किया गया था खुदा से, वो ज़रा सी देर में उसकी तशहीर हो गई, ज़रा सी देर में वो फैल गया। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को,
और फलक की बात बता दी जमी के महरम को। अब जब सुबह के तारे ने जो है सुनी तो शबनम को सुनाया। शबनम क्या है? जिसको ओस कहते हैं। शबनम आप जाइए खेतों में, जाइए बाग में, चमन में जाइए तो फूलों पे आपको मिलेगी। आजकल बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जब देखेंगे उसकी ज़िंदगी उसी वक्त तक है जब तक कि उस पर रोशनी ना पड़े, उसे अब सूरज की किरणें ना पड़े, और जहाँ सूरज की किरणें पड़ी उसको वजूद ख़त्म हो गया। तो वह कहते हैं शायर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, तो अब शबनम भी परेशान हो गई कि हमारा वजूद तो कुछ भी नहीं है। और फलक की बात बता दी जमी के महरम को, महरम कहते हैं राजदार को। यहाँ मुराद जो है ज़मीन के सारे लोगों से मुराद है जमी के महरम को। तो फलक की बात बता दी, यानी अब एक तरह से ये बात काम हो गई। भर आए फूल के आंसू पयामे शबनम से, अब फूल पर भी वही शबनम है जी जी। अब भर आना फूल के आंसू, यहाँ अब देखिए शबन शायर का इमेजिनेशन जो है, तस्वुर ख्याल, वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से जाता है। कभी वो शबनम को मोती कहता है, कभी शबनम को आंसू भी कह देता है, कभी कुछ और कह देता है। अब वो शबनम को यहाँ पर उसने कहा कि वो जो फूल था उस पर जो आंसू है, वो शबनम गिरी हुई है, वो फूल पे शबनम नहीं है बल्कि फूल को आंसू है, रो रहा है, उसको गम है। किस तरह का गम? कि हमारा वजूद जो है तो कुछ भी नहीं, हम भी ख़त्म होने वाले हैं। और कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से, कली का नन्हा सा दिल, उसको दिल क्यों कहा है? आप कली की बनावट देखिए और दिल की बनावट देखिए, और खून होना, किसी को खून कर दिया, कत्ल कर दिया, खून हो गया। और खून होना माने लाल होना, तो चूंकि दिल भी लाल होता है और कली भी लाल होती, तो एक मुशाबियत वहाँ शायर ने पैदा की है कि गम की वजह से उसका रंग लाल जो इस वजह से नहीं है कि उसका रंग है, बल्कि वो गम की वजह से उसके वो खुद ब खुद जो है गम आ गया, खून हो गया जो है कली का। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, शबाब सैर को आया तो सोगवार गया। और चमन में जो मौसम में बहार होता है, बहार का वक्त आता है, तो वो बहार थोड़े देने के लिए होती है, फिर होता क्या कि बहार जाते तो उससे ख़ज़ा में तब्दील हो जाती है। तो वजह इस नज़्म के हवाले से अल्लामा इकबाल ने कैसा तसव्वुर पेश करने की कोशिश की है कि कोई चीज़ दुनिया में बहुत दिनों तक तो काम रहने वाली नहीं है, हर चीज़ फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, दुनिया की बेसबाती है, और किसी चीज़ को यहाँ करार नहीं है। अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म है मदीदा कुर्तबा, उसका एक शेर है कि आनी व फ़ानी तमाम मौजज़ा है हुनर, कार जहाँ बेसबात, कार जहाँ बेसबात, यानी दुनिया के किसी काम को भी यहाँ ठहराव नहीं है, बेसबात ही है, बेयकीनी है, सब ख़त्म होने वाला है। और ऐसे भी हमारा तजर्बा भी है, और कलाम पाक में भी कहा गया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफस के लिए मौत का जायका है, यानी जो चीज़ पैदा हुई है उसको ख़त्म होना है। वो इस नज़म में यही तसव्वुर पेश किया है। अल्लामा इकबाल का जो फ़न है वो अपना मुकालमे कराया है, मुकालबा, वो जाहिर सी बात है कि ये कभी वो दो इंसानों के बीच में कराते हैं, कभी दो चीज़ों के बीच में इंसानों का जानवरों से करा देते हैं, कभी जानवरों का आपस में मुकालमा कराते हैं। तो उनके फ़न को हम जब देखें मुख्तलिफ उनके शायरों को मदद करेंगे, हम उनके फ़न से वाकिफ़ होंगे। जी बहुत कमाल का उनका ये फ़न था, और मेरी दिली ख्वाहिश थी इस सेशन को हम थोड़ा सा और तबील कर पाते, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर तक आए और आपने कितनी कमाल की नज़्म हमारे बच्चों को बताई, और ऑफकोर्स अल्लामा इकबाल के बारे में भी आपने कितनी शानदार बातें बताई, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। सदा उन्होंने सदाकत का रास्ता अख्तियार किया, कभी भी गलत उसूल से समझौता भी नहीं किया। अच्छी बात ये थी कि देखिए जब उनको वो खिताब दिया जा रहा था, उन्होंने बोला कि उनके पीर को पहले उस खिताब से नवाजा जाए, क्योंकि उनकी जो असल पहचान है वो उन्हीं के करम से है। तो ये सारे कुछ ऐसे इल्म हैं जो हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। आगे है फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर क्लास 9, छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ।